उनके नैतिक मूल्य कैसे बदल गए और ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि मैं उस परिवार के व्यक्ति के अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि प्रसाद के साथ मेरी तस्वीर लगी हुई है कि उस परिवार के पास एक पॉलिटिकल कनेक्शन है, इकोनॉमिकली वो डेवलप है, सोशल रेपुटेशन है, प्रेस्टीज है, पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन जो बीवी बोल की गई है, माँ जो बोल के गई है, बच्चियां अपनी अपने जीता जीने की जगह उसको भूलने के लिए तैयार नहीं है, उसी में जीता जीता है। तो हो सकता है कि कई बार जो है लोग कहते हैं अरे कहाँ आप जो है वजूद भी गया है, कहाँ पकड़े हुए हैं, क्या मिलता है इससे। हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं मिले लेकिन एक नैतिक मजबूती जरूरी है और ये नैतिकता आज समाज में बहुत तेजी से घट रही है। पहले गांव में आप देखेंगे कि जो एक ईमानदार शिक्षक होता था वो गांव का सबसे इज्जतदार आदमी होता है। आज के डेट में गांव में जो ड्रग्स का धंधा करता है वो सबसे इज्जतदार आदमी बन करके घूमना है। और ये बात मैं यहां खड़ा होकर के जब बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार से आता हूं, हमारे यहां भी यही समस्या है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि आज की राजनीति को ठीक करने के लिए राजनीति से पहले समाज नीति को बदलना बहुत जरूरी है और समाज नीति को यदि हम बदलना चाहते हैं तो हमको राजनीतिक विभेद को कम करना होगा। खुशी की बात है कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तमाम लोग जो पूर्व एमएलए हैं और जो वर्तमान एमएलए हैं, उसका इस देश के समता मूलक आंदोलन से संबंध रहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी की इस बाउंड्री को आज के डेट में भुला देने की वजह से मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि समाज नीति को ठीक किए बिना राजनीति ठीक ही नहीं होती और समाज नीति को ठीक वो पार्टी के दायरे में बंद करके नहीं हो सकता है। अब मैं ताजा तरीन उदाहरण कश्मीर में जो हुआ उसके बारे में आप सब लोग जानेंगे और मैं समझता हूं कि पंजाब के लोग सबसे ज्यादा उस बात से खुद को रिलेट कर सकते हैं क्योंकि टेररिज्म को जितना पंजाब में झेला है उतना शायद ही किसी और स्टेट में झेला होगा। तो कश्मीर में क्या हुआ, चुनाव लड़ने वाले बंदूक नहीं उठाएंगे, इंडिया के समर्थक इंडिया के विरोधी, क्या एनसीपी क्या कांग्रेस क्या एनसी क्या पीडीपी सबको एक लाइन में लाकर सरकार देश के साथ भी दरअसल यही किया है। जब नैतिकता बदलती जाएगी, नैतिकता का क्षरण जब होता जाएगा तब इस देश में स्वाभाविक रूप से एक अपराधी गृहमंत्री के पद पर बैठ जाएगा। और आप सोचिए कि एक अपराधी जब देश का गृहमंत्री बन जाएगा तो जो मेहनत करके लगता आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा होगा उसके दिमाग में क्या आ सकता है, वो क्या सोचेगा, उसको लगेगा कि हम गिरा हुए हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसको लगेगा कि क्यों हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह करतार सिंह सराभा को पढ़े, सावित्री बाई फुले सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़े, कल्पना दत्त के बारे में पढ़े, उनको लगेगा कि जब एक अपराधी को हमको यस बॉस बोलना है तो हर किसी नौजवान को लगेगा कि झूठ बोल करके बेईमानी करके गद्दारी करके इस देश की राजनीति में आते कि जब समाज का नैतिक पतन होता है तो उसका असर राजनीति पर होता है।
और राजनीति का गलत लोगों के कब्जे में चला जाएगा। स्वाभाविक रूप से हमारी आने वाली पीढ़ियों के दिमाग का सॉफ्टवेयर उसको खराब कर दिया जाएगा, उसमें वायरस। अगर हम उसको परिवर्तित करना चाहते हैं तो झंडों का भेद रखने चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कांग्रेस का झंडा, कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा, अलग अलग कांग्रेस पार्टी का झंडा, आम आदमी पार्टी का झंडा, वो झंडा खतरे में नहीं है। इस देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इतिहास हमको बताता है कि जिन लोगों ने तिरंगा जलाया, जिन लोगों ने अंग्रेजों के लिए चापलूसी की, देश के साथ गद्दारी की, वो आज सत्ता में बैठ करके उन गद्दारों और कायरों को भारत रत्न देने जा रहे हैं। मुझे एक सवाल पूछा गया कि सावरकर को भारत रत्न दिया जा रहा है, क्या कहना है? हम बोले, हमको बार बार उनको ये सवाल आता था कि सही जा रहा है, भगत सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। हम लोग जब अमेरिकन स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े तो हम लोग ये मान करते थे कि सेंट्रल हॉल में सही जाकर भगत सिंह की तस्वीर बताई है, लेकिन आज मुझे ये मान करने का मन नहीं करता। इसलिए मन नहीं करता है कि माफी मांग लेते तो भगत सिंह भी जीता नहीं। भगत सिंह ने कहा कि हम फांसी के फंदे को चूम लेंगे, लेकिन अंग्रेजों से माफी नहीं मांगेंगे। बार बार माफीनामा लिख रहे थे और एक बार नहीं, छह माफीनामे जो हैं, और एक माफीनामा मैंने पढ़ा है। उस माफीनामे में लिखा रहता था आखिर में कि आप मुझे काला पानी की सजा से बाहर भेजिए, मुझे जेल से छोड़ दीजिए। जेल से छोड़ दीजिए, मैं राजनीतिक रूप से आपसे काम करूंगा। ये पंजाब की नीति है। दो इलाके इस देश में, इस भारत में, जब आप पार्टीशन को देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। एक पंजाब का इलाका है, दूसरा बंगाल का इलाका है। पंजाब के इलाके में आप जानते हैं कि कितने परिवारों को अपना घर परिवार छोड़कर आना पड़ा। अभी हम लोग बाबा गुरु नानक देव जी की जयंती मना रहे हैं, जो उनका जन्म स्थान है। इतने जो श्रद्धालु हैं, जो सिख परिवार है, वो गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पर नहीं जा सकते, क्योंकि इस विभाजन में, इस पार्टीशन में उनका पवित्र स्थान उनसे छीन लिया है। हालांकि हम पटना से आते हैं, जब हम लोग पटना से किए हैं, पटना सारी जिला है। ये जो पार्टीशन का दर्द है, इसी तरह का दर्द जो है वो बंगाल के पास है। और ये पार्टीशन हुआ, पार्टीशन इसलिए हुआ कि मुस्लिम लीग कह रही थी कि मुसलमानों के लिए राज चाहिए, और हिंदू सभा कह रही थी कि हिंदुओं के लिए राज चाहिए। और मजेदार बात यह है कि हिंदू हमारे पास और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर सरकार, और दोष किसके ऊपर डाल रहे थे? दोष महात्मा गांधी के ऊपर डाल रहे थे। जबकि महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, प्रतीक पावन सीताराम, ईश्वर अनुराग भगवान सबको संबंधित है। राम का नाम कहते थे, लेकिन राम का नाम लेने के चलते उनकी हत्या नहीं की। वो जो कह रहे थे कि ईश्वर अनुराग देव राम सबको संबंधित है भगवान, इसलिए उनकी हत्या की। और ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि व्हाट्सएप मैसेज पे आपको समझाया गया होगा कि गांधी की जीत पे आते हुए थे कि पाकिस्तान को करोड़ों रुपया वापस करना है। वो तो उनके उपवास के दूसरे दिन ही वापस हो गया, फिर भी उनका उपवास नहीं चल रहा। उनका उपवास इसलिए चल रहा था कि वो चाह रहे थे कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश बने
जिस देश में हर किसी को, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, किसी भाषा बोली या क्षेत्र का हो, उसको बराबरी का अधिकार मिले। इसी के जब आप संविधान को पढ़ेंगे, उसके प्रस्तावना को पढ़ेंगे, उसमें लिखा जाता है हम भारत के लोग, हम बिहारी, हम पंजाबी, हम मराठी, हम कन्नड़िया, ये भी लिखा जाता है। लिखा जाता है हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व समझना है। प्रभुता का क्या मतलब होता है, संप्रभुता का क्या मतलब होता है, कि हम अपना निर्णय हम लेंगे, हमारा निर्णय ट्रंप नहीं लेगा। कश्मीर अगर हमारा अभिमान है, हम उसको अपना अभिमान मानते हैं, तो विदेशी सांसद को आंसर क्या करेगा? आपको आपके घर में आपके भाई से झगड़ा हो जाए, तो आप पड़ोसी को लाकर के अपना बेटी दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा नेता हमसे दूर हो रहा है। हमारा नेता विदेश जाकर के बोला सब चंगा सी, हमको लगता है कि सब चंगा सी लखटकिया सूट पहनते हमारा नेता नंगा सी। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, वादा किसी और चीज का, डिलीवरी किसी और चीज का हो जाता है। जब सामान बुक कराते हैं ना, तो आपको लेना है मोबाइल और आपको भेज देना छाता, क्या करेंगे, रखेंगे कि वापस करेंगे? लोग बुक क्या कराया था, वजीर आजम के तौर, प्रधानमंत्री के तौर पे लोगों की बुकिंग किस पास की? बुकिंग थी कि अच्छा दिन आएगा। बुकिंग इस बात की थी कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा। बुकिंग इस बात की थी कि किसानों को उनका फसल का दोगुना दाम नहीं मिलेगा, किसान आप मुखिया बंद हो। महंगाई भूखे थी, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। आप बताइए, एक भी वादा पूरा हुआ है? एक भी? तो बुक कराया था मोबाइल, आ गया छाता, उसको जब बता सकते हैं तो क्या इस सरकार को नहीं मार सकते हैं, इनको वापस नहीं पहुंचा सकते हैं? किस देश में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार इतनी बड़ी समस्या है? इस देश की समस्याओं के ऊपर किसानों, नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं, पर्यावरण, खेती, इन चीजों पे कोई टीवी डिबेट नहीं होता है। टीवी डिबेट किससे होता है? इमरान खट्टर कहां पर है, तो खट्टर कहां पर है, स्पीकर कहां ले जा रहा है, कौन खड़े ले जा रहा है, यह हमारा मुद्दा है। इस देश का इतिहास को उठा के बता दीजिए। आप पंजाब के लोग, हर घर से कोई ना कोई नौजवान इस देश की सेना में अपनी सेवा दे रहा है। आपको अपने लड़कों को भरोसा नहीं है, है ना? तो आपके लड़के खड़े हैं ना सीमा पे, देख लेते हैं पाकिस्तान आएगा, जो तो हाथ कर लिया जाएगा उससे, और जब भी आया जाएगा तो देख लिया है। क्या हिंदुस्तान ने, भारत ने 47 में पाकिस्तान को नहीं बनाया, 65 में पाकिस्तान को नहीं बनाया, 71 में पाकिस्तान को नहीं बनाया, 99 में कारगिल में पाकिस्तान को नहीं बनाया? तो जब 47 में हराया, 65 में हराया, 71 में हराया, 99 में हराया, तो 2019 में नहीं हरा देंगे? जब आएगा तो हराते हैं, इसमें क्या समस्या है, ये क्यों है? ये बात समझिए आप, ये इसलिए है ताकि देश को ये नहीं पता चले कि पंजाब में किसान आत्महत्या है। बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, हम तो बोलेंगे आपको कि हम तो आपकी फसल आपको बता रहे हैं, हमारे यहां की खेती की बात ही मत कीजिए। आधा इलाका बाढ़ से और आधा इलाका सुखाड़ से पीट रहा है। जिस पंजाब ने पूरे देश को अनाज दिया, सबको चावल खिलाया, आदमी के नाम से,
कि पंजाब के लोग चावल चावल लाते हैं खाते हैं बिहारी पंजाब को तो रोटी खाने वाले लोग चावल को खाते नहीं है। जिसने पूरा देश को खाना खिलाया आज वहां के किसान आत्महत्या करने लगे हैं। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये जोर राज्य का नाम मैं इसीलिए ले रहा हूं कि इस देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है। हमसे सब पूछेगा कितना की हो पूछेगा तो बता देंगे लेकिन हम समझ पा रहे नहीं हमको पता है देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है। अकेले महाराष्ट्र की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन अकेले दुनिया की सबसे महंगी कार खरीदी जाती है भारत में तो या तो पंजाब में खरीदी जाती है या महाराष्ट्र में खरीदी जाती है। जबकि इस दो राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो रीढ़ कमजोर हो चुकी है। किसान को लगता है कि उसके खेती में फायदा नहीं है तभी तो वो अपने बच्चे को कहता है कि वीजा बना करके पासपोर्ट बना करके कनाडा चले जाओ और फिर वहां जो तो है शाम को जब लग गया माहौल बन गया तो देश की मिट्टी खुशबू संदेश आती है चिट्ठी आई है आई है गाना बजाते हैं। क्या जरूरत है क्या जरूरत है अगर हमको हमारे राज्य में रोजगार मिल जाएगा तो हम क्या जरूरत है दूसरे देश में किसान पकड़ेगा किसान नहीं बनेगा। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा नेताजी का बेटा नेता बनेगा क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनेगा एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा फार्मर का बेटा फार्मर क्यों नहीं बनेगा क्यों नहीं वो भी जो है बटन का बम लेकर के जैसी वाली गाड़ी लेकर के स्मार्ट तरीके से खेती कर सकता है। सबको तो पेट भरने की जरूरत है ना। किसान अगर अनाज नहीं करना चाहेगा तो हम लोगों को पेट कैसे भरेगा कौन भरेगा। अगर हमको डॉक्टर की जरूरत है एक्टर की जरूरत है लीडर की जरूरत है कलेक्टर की जरूरत है तो फार्मर की भी तो जरूरत है। किसी हॉस्पिटल को चलाने के लिए जितना जरूरी डॉक्टर होता है उतना ही जरूरी सुपरवाइजर होता है। डॉक्टर साहब तो जाएंगे नहीं बिजनेस साफ करने के लिए कमर साफ करने के लिए ये जो मूल्य है इस मूल्य को समझना जरूरी है। और आज जो हम डॉक्टर रामचंद्र जी की पुण्यतिथि मैं माफी चाहता हूँ कि मैं 2 तारीख को नहीं आ पाया क्योंकि हमारे यहाँ लोक त्यौहार होता है छठ और उस त्यौहार की खासियत ये है कि उसमें पंडित की जरूरत नहीं होती है कोई कर्मकार नहीं होता है जैसे आपके यहाँ बैसाखी होती है उसी तरीके का त्यौहार है उस त्यौहार के चलते नहीं आता वरना मैं आता। और खास बात यह है कि इस परिवार में आकर के मुझे कभी भी महसूस नहीं होता है कि मैं कोई बाहर का व्यक्ति हूँ। मैं बड़ा घूम रहा हूँ उस परिवार के साथ और इस परिवार से खास सीख मिलेगी मिलती है कि कहते हैं कि मुन्ना में पढ़ाओगे तो 1 पीढ़ी सुधरेगी कोरिया में पढ़ाओगे तो 7 पीढ़ी सुधरेगी। उसको ये बेटियों को पढ़ा करके दीदी जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और आज जब मैं पंजाब की धरती पर खड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा महसूस हो रहा है। अमूमन ये होता है कि जब हम मीटिंगों में जाते हैं तो ज्यादातर मर्द होते हैं औरतों की संख्या कम होती है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर महिलाएं भी आई हैं तो विशेष रूप से उनको नमस्कार धन्यवाद। क्योंकि एक बात आप कि इस तरह के जलसों में अगर आप अपने घर की महिलाओं को भी लाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको जो करना है कर लीजिए अगर औरतें इसमें साथ नहीं देंगी अगर कस्तूरबा गांधी के साथ नहीं चलती तो गांधी जी युवा आंदोलन नहीं चलता और आपके बच्चे जो हैं वो आपके साथ नहीं रहते
वो अपनी माओ के साथ रहते हैं। तो महिलाओं को आप जितना आगे बढ़ने का मौका दें, आपके बच्चों पर उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। नहीं तो बाबू जी जिंदगी भर लाल सलाम बोलेंगे, बेटा जो जा करके जय मोदी करना शुरू कर दिया। गांधीवादी कहेंगे बेटा भाजपा के सामने लोगों में गोद से बात कर देगा। इसीलिए महिलाओं के हक अधिकार के लिए, मानव अधिकार के लिए इस देश में जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, पुरानी समस्याएं तो चली ही आ रही है, गरीबी, भुखमरी, जातवाद, हिंसा, बेरोजगारी, मजदूरों को उनका मजदूरी नहीं मिलना, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलना, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलना, ये तो समस्याएं चली ही आ रही है। ऐसा नहीं है कि आज शुरू हो गई, अब नई समस्याओं से सामना कर रहे हैं। पानी खत्म हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, रोड सेफ्टी, तरह तरह की नई समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए कि पंजाब ने बेहतरीन काम किया है आज भी, जब इस देश में लोग कुछ भी बोलने पर तैयार नहीं है, पंजाब में कहीं ना कहीं एक आवाज उठते रहती है, देश में जो हालात है उसके खिलाफ, लेकिन ये आवाज काफी नहीं है। आप अपने इतिहास को याद कीजिए, आप पंजाब के लोग लड़ेंगे और हाल की सदा के लिए शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।